फ्री स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, जो बच्चे जो आईटीआई में हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको समस्या क्या आती है जब प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, सोचते हैं क्या बनाना चाहिए और किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और कई तरीके से बनाते भी हैं मेहनत करके, मगर वो क्या होता है, वो गलत हो जाते हैं। कभी उसमें रेजिस्टेंस हीट कर रहा है तो जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट वहां पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कई कई सारी समस्याएं होती है। ठीक है, इसी को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। 5 जो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट बताऊंगा, ठीक है, उनको प्रोजेक्ट बताऊंगा विद वीडियो के साथ साथ। ठीक है, वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उन्हीं वीडियो को मैंने यहाँ पर टैग कर रखा है, और उन्हीं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो से बना सकें, सीख सकें। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो है आईआर बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म। ठीक है, आईआर बेस्ड सिक्योरिटी अलार्म दरअसल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। आईआर इंफ्रारेड रे होती है एक, ठीक है, जो रिसीवर का काम करती है, और जो एक एमिटर होती है, जो एलईडी होती है, जो एमिटर का काम करती है। अब दरअसल होता क्या, आपने रिमोट और टीवी का कनेक्शन देखा होगा, जब आप रिमोट से कोई भी बटन प्रेस करते हो तो वहां से क्या एलईडी के थ्रू इंफ्रारेड रे निकलती है, जो कि आपके एलईडी में रिसीवर लगा रहता है, या बोला जाए टेलीविजन में, या एलईडी एलसीडी में आपके रिसीवर लगा रहता है जो कि उस सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का जो प्रोसेस है वो आईआर बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सिक्योरिटी अलार्म का कैसे रोल होगा वो आइए समझते हैं। देखो, सिक्योरिटी अलार्म के लिए आपको एक अलार्म चाहिए। ठीक है, अब अलार्म बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर बीपर लगा रहे हो या स्मॉल बजर लगा रहे हो तो आप वहां पर है एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हो। अगर आप काफी बड़ा वहां पर बजर लगा रहे हो तो वहां पर आप रिले लगा सकते हो 12 वोल्ट की। ठीक है, उन सभी के कनेक्शन मैं बता दूंगा किस तरीके से होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक आईआर समझते हैं। देखो, इसको पहले समझते हैं फिर मैं आपको, देखो दरअसल होता क्या है, यहां पर एक एलईडी लगी होगी, ठीक है, और यहां पर एक रिसीवर लगा होगा। ठीक है, अब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो जो लाइट इसके अंदर से एमिट होकर के रिसीवर के अंदर जा रही थी, वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी ऑब्जेक्ट के आने से वजह से। अब जब ऑब्जेक्ट के आने से वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, या हम बोले जो हमारा रिले है वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होते के साथ ही हमारा बजर बीप करने लगेगा, या हमारा जो हुडर होता है वो साउंड करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा प्रोसेस रहता है। मैंने बेसिक सिंपल तरीके से प्रोसेस को समझाया है। एक यहाँ पर एलईडी होगी, एक इंफ्रारेड रे होगी, ठीक है, जो कि रिसीवर का काम करेगा, दोनों लगे होंगे, दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर आपका जो बजर है वो बीप करने लगेगा, ये हूटर है जो वो आवाज करने लगेगा, सायरन करने लगेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको समझते हैं वीडियो के माध्यम से। तो मैं यहाँ पर वीडियो प्ले करता हूँ, तो वहां से आप देखते हैं। ठीक है, वहां से देखते हैं किस तरीके से ये रहने वाला है। ठीक है, यहां पर देखो एक 12 वोल्ट की जो आपकी बैटरी आती है, ठीक है, ये नॉन रिचार्जेबल होती है, मतलब इसको रिचार्ज मतलब इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एक ये स्विच दिया हुआ है, एक एलईडी दी हुई है, एक बजर दिया हुआ है, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, एक देखो रिसीवर दिया हुआ है, और एक दिया है आपका ट्रांसमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो एक सेकेंड मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, अभी देखना, जैसे ही इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लेके आया जाएगा तो ये वो है
क्या करेगी, सायरन बजने लगेगा और ये जो एलईडी है वो भी, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको प्ले करता हूं और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे ये देखो, जैसे पेपर लेके आया है तो ये लाइट है वो ग्लो कर रही है, उसके साथ साथ ये बजर भी बज रहा है, ठीक है। मैंने इसको म्यूट कर रखा है, ठीक है, तो बजर भी बजता है और लाइट भी जलती है। इस तरीके का प्रोजेक्ट आप सिक्योरिटी अलार्म के तौर पर लगा सकते हो, ठीक है। एक तो प्रोजेक्ट ये हो गया जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूं, देखो ये प्रोजेक्ट होते हैं थोड़े सिंपली हैं, ठीक है। बस बनाने में क्या होता है, आप एनपीएन और पीएनपी की, एनपीएन और पीएनपी के आप जो टर्मिनल कनेक्शन है वो नहीं हो पाते, जिससे आपका एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है या पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो हीट कर जाता है और उसके कनेक्शन सही ना होने की वजह से वो बेकार भी हो जाता है और जो आपका सर्किट है वो आउटपुट प्रॉपर दे नहीं पाता, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया जिस वजह से थोड़ी गलतियां होती है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको बनाना सीख जाओगे किस तरीके से बनाया जाएगा। अब आते हैं सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो है क्लैप कंट्रोल होम ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारा माइक लगा रहता है, कैपेसिटर माइक लगा रहता है, ठीक है। जब भी हम क्लैप बजाते हैं या किसी भी तेज नॉइज आता है इसमें, मतलब कि क्लैप का एक नॉइज हो गया, ठीक है, इसी तरीके का नॉइज आता है, तो ये क्या होता है, रिले को ऑन या ऑफ कर देता है। क्या करता है, रिले को ऑन या ऑफ कर देता है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से वर्किंग रहती है। जैसे कि घर में बल्ब लगा हुआ, देखो यहां पर क्या गया, यहां पर देखो 100 वाट का बल्ब लिया हुआ। अब 100 वाट को बल्ब को सप्लाई देने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहां पर लगाई हुई है रिले, ठीक है। 12 वोल्ट की रिले होती है जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ठीक है। और वो ऑपरेट कितना वोल्टेज कर सकता है, 230 से लेकर 250 वोल्ट तक वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, स्विचिंग कर सकता है, हम कह सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो किस तरीके से यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करता है, देखना। अब यहां पर ये क्लैप बजाते हैं, जैसे ही क्लैप बजाते हैं देखो ऑन और ऑफ दोनों ही क्लैप बजाने से होती है, ठीक है। तो इस तरीके का भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके का भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, बढ़िया प्रोजेक्ट है, बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की ओर, ये है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑटोमेटिक है ऑन या ऑफ होने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से वर्किंग होती है। देखो एक होता है एलडीआर बेस्ड, यानी कि क्या होता है उसमें, रात जैसे ही नाइट व्यू होता है, मतलब जैसे कि सन अपना मतलब सन छिप जाता है, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही अंधेरा होने के बाद जो एलडीआर पे रोशनी पड़ती नहीं है, एलडीआर पे रोशनी नहीं पड़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो हमारी लाइट जो है वो ऑन हो जाएंगी। मतलब कि कुल मिला के हम कह सकते हैं एलडीआर बेस्ड वो सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं किस तरीके से इसकी वर्किंग है, ठीक है। तो वर्किंग को समझते हैं। इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट है जो कि बना सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। देखो कितना बढ़िया सुंदर प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है। एक 12 वोल्ट की, ये 9 वोल्ट की होती है बैटरी, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ पर। अब जैसे देखो लाइट ऑफ हुई है पूरे उसकी रूम की, तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन हो गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं नाइट में ऑन हो गई है और जैसे ही डे होगा लाइट ऑफ हो गई, देखो, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है अगर आप बनाते हो अपने, ठीक है, अपने कॉलेज के लिए। देखो इस तरीके से वर्किंग होती है, पूरी एलडीआर लगा हुआ है वहां पर, ठीक है, इस तरीके से पूरी इसकी वर्किंग रहती है। तो इस तरीके से सिंपल प्रोजेक्ट है, ये भी बना सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में यहां पर सबों को मेंशन कर दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रोजेक्ट को समझने में और बनाने में। अब यहाँ पर चौथा जो प्रोजेक्ट है वो वाटर अलार्म है, ठीक है। वाटर अलार्म का मतलब है जब वाटर ओवरफ्लो हो जाता है तब हमारा अलार्म क्या करता है, बजता है, ठीक है। अलार्म बजता है जिससे हमें पता चलता है कि पानी जो हमारा टंकी जो है हमारा फुल हो चुका है, ठीक है। उसको इसमें सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, देखते किस तरीके से है। ये कुछ नहीं करते, एक नेगेटिव वायर जमीन पानी के अंदर रखते हैं और एक वही उसका छोर, ठीक है, ऊपर की ओर रखते हैं। जब पानी टच करता है, पानी में कंडक्टिविटी कब होगी, जब पानी साल्टी होगा तब उसके अंदर क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। तो उस कंडक्टिविटी से क्या होता है,
हमारा एक वायर पानी के नीचे होता है, मतलब कि एक बार एक वायर टंकी के नीचे होता है, एक बार हवा में होता है ऊपर। जब पानी उस टंकी के वायर में टच होता है तो वहां पर हमारा बजर जो है वो बजने लगता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि टंकी अब भर चुकी है, क्योंकि तो जो हवा में वायर था वहां पर पानी टच हो रहा है। तो उसी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया हुआ है 9 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोजेक्ट है, ये भी बना सकते हो, मगर डिस्प्ले और अच्छी तरीके से कर सकते हो इसको, तो बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। बनाया इजी वे में है, मगर डिस्प्ले अच्छी तरीके से कर सकते हो उसको, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड फार्ड हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इजी वे में इसको कर सकते हो, ठीक है। और पांचवा प्रोजेक्ट देखते हैं, ये एलडीआर बेस्ड लाइट सिस्टम है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एलडीआर बेस्ड ही था वो पूरा स्ट्रीट लाइट का, उसी तरीके से एलडीआर बेस्ड लाइट सिस्टम है, ठीक है। लाइट सिस्टम बोले तो बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर, मतलब है तो मतलब सेम वैसा ही, मगर इसमें क्या है, इसमें पूरा आपको बताया गया है, समझाया गया है कि किस तरीके से उसको बनाना है, किस तरीके से, मतलब पूरा डिटेल्स में इसको समझाया गया है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये जो एलडीआर सिस्टम है इसमें क्या पार्क में भी लगा सकते हो, देखो पार्क की लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट के अलावा पार्क की लाइट हो गई, ठीक है, आपकी घर के बाहर की लाइट हो गई, टेरिस पे लाइट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट आप ये लगा सकते हो एलडीआर बेस्ड। तो ये सिंपल से और बढ़िया से कुछ पांच प्रोजेक्ट थे जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इनका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप इन वीडियोस को देख करके सीख सको और प्रोजेक्ट बना सको और गलतियां कम से कम करो। अगर कोई गलती करते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस तरीके से क्या होगा ये, क्योंकि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाए थे अपने कॉलेज टाइम में, तो आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर के फिर उसके वाइवा होता है, फिर प्रोजेक्ट भी मांगते, तो वो सारी चीजें, प्रोजेक्ट बनाओ कैसे बनाओ, फिर वीडियो ढूंढो, तो मैंने एक ही वीडियो में सारे प्रोजेक्ट डाल दिए हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।